नमस्कार किसान भाइयों, आज हम प्याज की फसल में लगने वाले चूसा कीट थ्रिप्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारी फसल को कैसे नुकसान पहुंचाता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और हम इसे कैसे अपने खेत में इसका प्रबंधन कर सकते हैं। प्याज में जब हमारा चूसा कीट थ्रिप्स लगता है तो वो हमारे प्याज की पत्तियों पर पत्तियों का रस चूस लेता है, जिससे हमारा पौधा मुरझा जाता है और सफेद हो जाता है। और इसके कहीं कहीं पर जहां पर इसका प्रकोप कम होता है वहां पर सफेद या चांदी के समान धब्बे दिखाई देते हैं। और ये जो कीट है ये सामान्यतः पीले रंग का तथा छोटा कीट होता है, जो हमारे पौधे की पत्तियों पर पाया जाता है और उनका रस चूसता है। अब हम इसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। इसके प्रबंधन के लिए रोपाई के कम 30 दिन पहले मक्के की दो पंक्तियां या मक्के की एक बाहर पंक्ति और गेहूं की एक भीतर पंक्ति को प्याज की फसल के आसपास बाधा फसल के रूप में अपने फसल के चारों तरफ हमें लगा देना चाहिए, जिससे जो हमारा वयस्क थ्रिप्स है उसकी आवाजाही को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं। इसके बाद में अगर हमारे खेत में थ्रिप्स है तो उसकी सबसे पहले हमें जांच करनी चाहिए और उसकी जांच के लिए कम से कम 30 से 40 पीले और नीले ट्रैप अपने खेत में लगाने चाहिए। इसके बाद जब थ्रिप्स की आबादी हमारा जो 30 थ्रिप्स पर पौधे पर हो जाए, जो हमारे आर्थिक स्तर को पार कर जाते हैं, उस समय में कीटनाशकों का अपने खेत में छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स के संक्रमण की गंभीरता के आधार पर लैम्डा साइलोथ्रिन 5% ईसी को 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या फिप्रोनिल 80% WG को 30 ग्राम प्रति एकड़ या स्पेनोसेड को 80 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर अपने खेत में छिड़काव करना चाहिए, जिससे हम थ्रिप्स की अच्छी रोकथाम कर सकते। आशा करते हैं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही और जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हमारा सेक्यूफॉर्म ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद।